यमुना तीरा वन श्यारी Thank you.
श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री श्री निताई गौर सुंदर की, समवेत भक्त वृंद की, श्री श्री गुरुवैम गौरांग की। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणासिन्धु दीन बंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे का नियमित प्रोग्राम है। जगन्नाथ जी के चरणों में आप उपस्थित होते हैं और जगन्नाथ जी के चरण में आते हैं तो मुख्य एक प्रसाद है। हम कुछ विलंब नहीं करेंगे, दो चार मिनट कुछ जगन्नाथ जी के विषय में बतलाएंगे, उसके बाद कीर्तन होगा। जगन्नाथ जी बहुत सुंदर आकृति में है, थोड़ा सा भेद है लेकिन कृष्ण का ही विशेष आकृति है। कृष्ण और जगन्नाथ जी में, श्री कृष्ण और जगन्नाथ जी में कोई भेद नहीं है। आप लोग चैतन्य महाप्रभु से परिचित हैं। चैतन्य महाप्रभु का जन्म नवद्वीप में हुआ, 24 साल तक वहां रहे, इसके बाद संन्यास लेकर के जगन्नाथपुरी में आ गए। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में आए और इसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में कई एक अध्याय में किया गया, कैसे कैसे दर्शन करते हुए जगन्नाथपुरी पहुंचे,
चैतन्य महाप्रभु के साथ और भी चार भक्त थे, नित्यानंद प्रभु थे और लोग थे, और पूरा रास्ते में चैतन्य महाप्रभु प्रेम के परम उद्रेक का अनुभव करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी के नजदीक पहुंच गए और वहां एक स्थान है 18 नागा कहते, आज भी वो स्थान है 18 एक थी, और नाला के कैनाल है, लेकिन 18 कैनाल नहीं है, एक कैनाल है उसमें 18 पीलर है, तो इसलिए उसको 18 नाला कहते। जगन्नाथपुरी के नजदीक वो स्थान है, और जब वहां चैतन्य महाप्रभु आए थे नित्यानंद प्रभु पर गुस्सा हो, अभी जा रहे थे और रास्ते में ही चैतन्य महाप्रभु का जो त्रिदंड था उसको नित्यानंद प्रभु तोड़ करके और नदी में बहवा। अब जब जगन्नाथपुरी के नजदीक आए, मंदिर में जाना जाने का समय आया, तो चैतन्य महाप्रभु कहे कि हमारा त्रिदंड का है, त्रिदंड दो। नित्यानंद प्रभु कहे जब त्रिदंड कहा है, वो कहा हुआ, चैतन्य महाप्रभु बाहर से बहुत गुस्सा प्रकट कर रहे थे, एक सन्यासियों का सर्वस्व त्रिदंड ही होता है, त्रिदंड से अब एक सब कार्य कर देते हैं, जो भी कार्य करना हो त्रिदंड से कर देते हैं, और त्रिदंड मांग रहे थे, त्रिदंड तो प्रवाहित कर दिए थे, लेकिन अब समस्या थी चैतन्य मात्र को है कि अरे सन्यासी का तो कोई धन है नहीं, त्रिदंड धन था उसको भी तो बर्बाद किया। नित्यानंद प्रभु कहे कि हम क्या करें, आप तो प्रेम में उछड़ते रहते हैं, उछड़ करके त्रिदंड पर ही गिर गए और दंड हिला 3 खंड वो 3 खंड में हो गया, अब हम क्या करें। चैतन्य महाप्रभु कहे तो तुम लोग साथ में क्यों, साथ में क्यों चल रहे, जब एक त्रिदंड की भी रक्षा नहीं कर सकते हो तो तुम काहे बात का बॉडीगार्ड हो, क्यों साथ में चल रहे हो, हम तुम लोगों के साथ नहीं जाएंगे, तुम लोग या तो आगे जाओ और नहीं तो पीछे हो, हम तुम लोगों के साथ नहीं जाएंगे। अब जो उनके अनुयायी थे नित्यानंद प्रभु थे, तो उनके मन में विचार आया कि हम लोग यदि आगे जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु तो प्रेम में मूर्छित होकर के गिरते ही रहते हैं, तो अब हम लोग आगे चले जाएंगे, अब प्रेम में मूर्छित होकर के गिरेंगे, पीछे पड़े रहेंगे, तो कौन उनको देखेगा, और इसलिए आगे जाना ठीक नहीं, पीछे से हम लोग चलेंगे। चैतन्य महाप्रभु सर्प लगा दिए थे कि हमको साथ नहीं जाएंगे, वो कहे कि ठीक है, भक्त लोग कहे नित्यानंद प्रभु कहे कि ठीक है आप चलिए आगे, हम लोग पीछे से आगे। वो पीछे रहने का उनका फिलॉसफी यह था कि वे सोच रहे थे कि रास्ते में वे प्रेम से मूर्छित होकर के गिर जाएंगे, तो हम लोग पीछे से पहुंच जाएंगे, आगे चले जाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा ही हुआ। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को जो आगे जाना हुआ, तो जगन्नाथ जी के दर्शन की इतनी उनको लालसा थी
एकदम आंधी के स्पीड से गए, तूफान जैसा तेजी से मंदिर में चले गए। अब मंदिर में प्रवेश किए और जगन्नाथ जी को देख करके उनका इतना प्रेम उमड़ा, उनके सौंदर्य से इतना आकृष्ट हो गए, वे चाह रहे थे कि दौड़ करके जाकर तो उनका आलिंगन कर दें, लेकिन जगन्नाथ जी के पास पहुंच नहीं होता। दरवाजे में प्रवेश किए मंदिर के और दौड़ करके चले कि जगन्नाथ जी को आलिंगन कर दिया, और तब तक बीच में वे मूर्छित होकर के गिर गए, प्रेम का मूर्छा आया और वही गिर गए। अब वही गिर गए और बहुत गाढ़ मूर्छा थी। जगन्नाथपुरी मंदिर की स्थिति है कि एकदम अनुशासन में आप जाइए फिर भी पंडाल थोक देते हैं, डांट डपट करते रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु वहां मूर्छित होकर के गिर गए, वहां के पंडा बड़ा उद्दीन हो रहे थे, मुर्दा जैसा कौन गिर गया, बहुत उद्विग्न हो रहे थे, ये कौन है, कहाँ का है, कैसे है। लेकिन संयोग से सार्वभौम भट्टाचार्य उसी मंदिर में वे भी दर्शन करने के लिए आए थे, और सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत बड़े व्यक्ति, वे वहां के राजा के नहीं, राजा के पुरोहित थे काशी मिश्र। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य मुख्य सलाहकार थे, खास करके मंदिर के विषय में, वो एक तरह से मंदिर के गार्जियन जैसा थे सार्वभौम भट्टाचार्य। और सार्वभौम भट्टाचार्य एक महिमा को आप समझ सकते हैं कि वे थे गृहस्थ, लेकिन सारे सन्यासी उनके पास पढ़ने के लिए आते, इतने भारी विद्वान थे कि सब सन्यासी उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे, वेदांत के बड़े विद्वान थे, वेदांत पढ़ते थे मायावादी सन्यासी लोग, और परीक्षा लोग तो मार रहे थे कि इसको फेंको, मुर्दा जैसे कौन गिर गया, वे बहुत उद्विग्न हो रहे थे। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य की इशारा किए, रुको, अब सार्वभौम भट्टाचार्य की इशारा किए तो सब लोग रुक गए, अब नहीं कोई कुछ कर सकता। अब सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के रूप से उनके भाव से बड़े आकृष्ट, वे देख रहे हैं कि इसके शरीर में जो तेज है वे एकदम विष्णु जैसा है, और इसमें जो भाव है ये तो सामान्य प्राणी में आता नहीं है। जब मूर्छा की स्थिति है तो यह तो केवल गोपियों में ही देखा जाता है। अब तो यहां बोलने में भय रहता है कि शास्त्र के शब्दों का प्रयोग करने पर वो स्टैंप लगा देते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता है क्या बोलते हैं, और इसलिए बहुत कठिनाई होती है। सार्वभौम भट्टाचार्य विचार कर रहे हैं कि यह तो अधिरूढ़ भाव है, यह तो केवल गोपियों में देखा जाता है, राधा रानी में देखा जाता है, और कुछ निर्णय नहीं कर पा रहे कि ये कौन आदमी है। तेज देखने पर ये एकदम विष्णु जैसा है, भाव गोपियों का है, इतना गाढ़ मूर्छा में है। सार्वभौम भट्टाचार्य को तो संशय होने लगा, मूर्छित है कि मर ही गया, परीक्षा लोग पंडा लोग कैसे समझ रहे थे कि कोई मुर्दा यहाँ गिर गया, इसको मंदिर से फेंकना चाहिए, बाहर करना चाहिए। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य मना कर दिए सब लोगों को, सार्वभौम भट्टाचार्य कुछ पंडे को लिए, कुछ अपने शिष्यों को लगाए,
और चैतन्य महाप्रभु को अपने घर ले गए, घर ले गए और गाय के गोबर से स्थान पोत करके वहीं लेटा दिए। सुबह के समय ही चैतन्य महाप्रभु मंदिर में गए थे और लगभग संध्या होने लगा, 4 बज गया और चैतन्य महाप्रभु के मूर्छा समाप्त नहीं हुई और सार्वभौम भट्टाचार्य खुद संशय होने लगता है कि मूर्छी कहे कि खत्म हो गए, मर गया। और एक छोटा सा रूई का फूंका, रूई का टुकड़ा उनके नाक के नजदीक ले गए तो रूई थोड़ा सा हिल गया, उसमें स्पंदन हुआ, तब समझे कि सांस कम से कम चल रहा है। और कीर्तन होने लगा। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु का छाड़ खा करके जागे और सार्वभौम चैतन्य महाप्रभु मंदिर में प्रवेश किए और जगन्नाथ जी के प्रति इतना प्रेम उभरा कि दौड़ करके सीधे आलिंगन करने जा रहे थे, लेकिन उनके सौंदर्य को देख करके और प्रेम का ऐसा उद्रेक आया कि मंदिर में मूर्छित होकर के गिर गए। तो चैतन्य महाप्रभु अपना नियम रखे थे, जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए जाते थे और उनको तो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन ही दिखते थे। जब है कि जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं होता था तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में नहीं रहते। तो जहां भी जगन्नाथ जी का मंदिर है, एक उत्सव मनाया जाता है, एक बस मैं भी यहाँ भाग लिया हूँ इस मंदिर में भी, जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा किया जाता है। रथ यात्रा से 2 सप्ताह से थोड़ा ज्यादा ज्येष्ठ पूर्णिमा को स्नान यात्रा और अषाढ़ शुक्ल द्वितीया को रथ यात्रा का त्योहार। तो स्नान कराने के क्रम में जगन्नाथ जी की तबीयत खराब हो जाती है तो 2 सप्ताह तक दर्शन नहीं देते, चैतन्य महाप्रभु के लिए असह्य हो जाता है, बिना जगन्नाथ जी का दर्शन किए भी रह ही नहीं सकते। तो 2 सप्ताह तक वे अलालनाथ चले जाते हैं। अलालनाथ चैतन्य महाप्रभु के प्रति विग्रह माना जाता है और आप अलालनाथ जाएंगे तो वहां देखेंगे कि पत्थर पर चैतन्य महाप्रभु का पूरा विग्रह का हाथ पैर का छाप आया। उसका कारण यह है कि अलालनाथ जी को देख करके अब चैतन्य महाप्रभु का प्रेम इतना उभरता था कि वहां पत्थर भी पिघल गया और उनका चिन्ह वहां पड़ा हुआ। और जगन्नाथ जी का रूप परम आकर्षक है। आप जानते हैं कि उनकी आंखें बड़ी बड़ी हैं और भाव कुछ विचित्र है और वास्तव में ये ब्रज के भाव में विह्वल हो रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के आंख मुखाकृति जो है एक ब्रज के गोपियों के प्रेम का श्रवण करने से इस प्रकार विकृत हो गया और चैतन्य महाप्रभु इस रूप का बहुत आस्वादन करते थे। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो भाव भंगिमा है वो ब्रज के रस का स्मरण दिलाता है, कृष्ण ही है। तो गोपियों के प्रेम के बात को सुन करके इस रूप में एक कथा प्रचलित है
भगवान जब द्वारका में थे तो एक सपना में सोए अवस्था में भी राधे राधे बोल रहे थे। भगवान की जो पत्नियां थे उनको बड़ा आश्चर्य होता था कि किस स्त्री का नाम बोलते। हम लोग कितना सेवा कर रहे हैं, हम लोग के साथ है और किसी दूसरे स्त्री का नाम लेते रहते हैं और उनको बड़ा कौतुक था। एक बार उनके रानिया रोहिणी जी से वे पूछने लगे कि कौन है उस ब्रज की स्त्री, क्यों कृष्ण उनको नहीं भूल पाते, उनका कैसा प्रेम है, हम लोग उनके विषय में सुनना चाहते। और रोहिणी जी कहे कि हम तो गोपियों के प्रेम के विषय में बतलाएंगे लेकिन एक शर्त है कि कृष्ण आ जाएंगे तो उनके समक्ष में नहीं कुछ बोलूंगा, उनके समक्ष नहीं बोलोगे। और वो तो रानी जी कहे कि हम लोग व्यवस्था करते हैं कि कृष्ण यहाँ आए नहीं है, आप ब्रज के गोपियों के भाव के विषय में बतलाइए क्यों कृष्ण आकृष्ट रहते। तो रानिया ये अस्वस्थ किए कि कृष्ण यहाँ नहीं आएंगे, अब बोलिए। तो इसके लिए व्यवस्था दी कि बाहर में सुभद्रा जी को खड़ा कर दिया कि वे रोकेंगे कि अभी एंट्री नहीं है, अभी परमिशन नहीं है। और रोहिणी जी ब्रज के गोपियों के विषय में द्वारका के रानियों को सुना रहे और तब तक कृष्ण आ गए। कृष्ण आ गए तो सुभद्रा जी मना किए कि अभी भीतर नहीं जाना है। और सुभद्रा जी को भी कौतुक का कि नहीं क्या बात चल रही है कि कृष्ण को भी रोका जा रहा है, कोई कोई विशेष बात होगी तभी ना। तो सुभद्रा जी भी वहां खड़ी थी और उनका भी कौतुक था कि हम भी कुछ सुनने क्या बात है। और तब तक कृष्ण आ गए और कृष्ण को रोकी कभी भीतर नहीं जाना, कुछ बात चल रही है, रोहिणी जी कथा कर रही है। और कृष्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या कथा चल रही है। तो वे भी खिड़की से थोड़ा सुनने का प्रयास कर रहे, सुन रहे, बाहर तो नहीं गए लेकिन भीतर से सुन रहे। और तब तक बलराम जी भी आते हैं, वो बलराम जी भी सुनने लगे। तो एक साइड में कृष्ण खड़ा हो गए, एक साइड में बलराम जी खड़ा हो गए, बीच में सुभद्रा जी है। और तब तक नारद जी भी आते, नारद जी भगवान को नमस्कार किए। भगवान कहे जब प्रसन्न है वर मांगो, तो नारद जी वर मांगे कि मैं आपका रूप देखा लेकिन इस समय जो रूप है वो विचित्र है, तो हम यही वर मांग रहे हैं कि आप तीनों इसी रूप में स्थित रहे और लोग भी दर्शन कर सके। नारद जी के प्रार्थना पर भगवान इस रूप में प्रकट हुए। तो यह जो उनका आंख बड़ी बड़ी है, यह भाव भंगिमा है, तो ब्रज के भाव को सुन करके ये विपरीत हो गया, विभोर है। और चैतन्य महाप्रभु इनके रूप का बहुत आस्वादन करते हैं, रूप से इतना आकृष्ट हुए कि सीधे आलिंगन ही करना चाहते थे लेकिन इतना भाव जगा कि मूर्छित हो गए। और चैतन्य महाप्रभु उनको ले गए। अब चैतन्य महाप्रभु को सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को ले गए और सार्वभौम भट्टाचार्य को चैतन्य महाप्रभु से इतने आकर्षण हुआ कि सोचने लगे कि अद्भुत इसका तेज है और विचित्र व्यक्ति है, बिल्कुल युवा अवस्था में संन्यास ले लिया है, ये कैसे संन्यास धर्म की रक्षा करेगा। और उनको वात्सल्य जग रहा था
कि यदि अवसर मिलता तो इस तेजस्वी सन्यासी के सन्यास की रक्षा करने में हम सहायता करते, इसको मिलान पढ़ाते, तो वो सब लीला भी दी गई है। लेकिन हमको आज केवल एक बात कहना था, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में गए और जगन्नाथ जी का रूप देख करके इतने आकृष्ट हुए कि मूर्छित होकर के गिर गए और वे अपना नियम रखे होते कि रोज जगन्नाथ जी का दर्शन करते, रोज प्रसाद ग्रहण करते थे। और इतने कृपालु हैं कि जो मंदिर में प्रवेश नहीं पाते थे, आते ही नहीं थे, जैसे हरिदास ठाकुर हैं, रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी है, जो भी वहां क्या करके रहते थे, तो उनको अपने से चैतन्य महाप्रभु प्रसाद लेकर के आते थे, उनको देते थे। किसी कारण से नहीं आ पाए तो दूसरे से प्रसाद देने देते थे। अब बहुत सुंदर है, आप लोग जगन्नाथ जी के आश्रय में इकट्ठा होते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, आज हमको भी इसमें भाग लेने का अवसर मिला, बहुत भारी प्रसन्नता है, और आप लोगों का आभारी हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी लोग बोलिए हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण। कृष्ण कृष्ण। हरे हरे। हरे हरे। हरे राम। हरे राम। हरे राम। हरे राम। राम राम।